तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हॉलीवुड मूवीज़ और सीरीज़ के लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज़ के लिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। हाय गाइस, मैं हूं वीके, आप देख रहे हैं ट्रस्टी वर्ल्ड। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं दिसंबर के महीने में रिलीज होने जा रही हॉलीवुड की 26 मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में, जो आपको दिसंबर के महीने में हिंदी में देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए इन मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इन सारे मूवीज़ और सीरीज़ की जो हिंदी डबिंग न्यूज़ है वो पहले ही दे रखी है, तो आप चाहें इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं या फिर इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो 1 दिसंबर को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी लॉस्ट इन स्पेस सीरीज की फाइनल सीजन यानी सीजन 3, जो आपको 1 दिसंबर को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको इसी दिन देखने को मिलेगी फास्ट एंड फ्यूरियस की जो 9 पार्ट है वो बुक माई शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको ये मूवी हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद इसके अगले दिन यानी 2 दिसंबर को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी एक रोमकॉम मूवी जिसका नाम है सिंगल ऑल द वे, ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है रेसिडेंट इविल वेलकम टू रेकूम सिटी, ये मूवी आपको 3 दिसंबर को आपके नज़दीकी थिएटर में हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको इसी दिन देखने को मिलेगी जुरासिक वर्ल्ड की जो सीजन 4 है वो हिंदी और इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर। और इसके बाद आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगी मिक्स टेप, ये एक इमोशनल ड्रामा मूवी है जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको इसी दिन देखने को मिलेगी मनी हाइस्ट की फाइनल पार्ट यानी पार्ट 5 की वॉल्यूम 2, जो आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी सेंटोर वर्ल्ड की सीजन 2, जो आपको नेटफ्लिक्स इंडिया पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके अगले दिन यानी 8 दिसंबर को आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगी टाइटन सीरीज की सीजन 3, जो 13 एपिसोड के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी एक एनिमेटेड मूवी बैक टू द आउटब्रेक। जी हाँ गाइस, ये मूवी आपको 10 दिसंबर को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 10 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी द अनफॉरगिवेबल, जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी और ये क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है। और इसके बाद 14 दिसंबर को आपको नेटफ्लिक्स पर एक एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है स्टारबीन बीइंग इन द न्यू ईयर। और इसके बाद आपको 15 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी एलिट सीरीज की फर्स्ट स्टोरी, जो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और स्पेनिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको अगले दिन यानी 16 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी एक नेचर डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है कॉलर रीफ। जी हाँ गाइस, ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी द विशेष सीरीज की सीजन 2, जो आपको इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन यानी 17 दिसंबर को ही आपको आपके नज़दीकी थिएटर में स्पाइडरमैन नो वे होम देखने को मिलेगी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद आपको 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर सेम्यूर और ओमार की एक शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलेगी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद आपको 22 दिसंबर को आपके नज़दीकी थिएटर में द मैट्रिक्स सीरीज की पार्ट 4 देखने को मिलेगी इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स इंडिया पे देखने को मिलेगी एमिली इन पेरिस, जो हिंदी और इंग्लिश में रिलीज होगी 22 दिसंबर को। और इसके बाद आपको 23 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी एलिट सीरीज की 3rd शॉर्ट स्टोरी, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी। और इसके बाद आपको 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी डोंट लुक अप। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी साउथ कोरिया की साइंस फिक्शन सीरीज द साइलेंस सी, जिसकी सीजन 1 आपको इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी मीनार मोटली, जो एक सुपर हीरो मूवी है जो आपको हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 29 दिसंबर को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी बोबा फेट, जिसकी सीजन 1 की 1st एपिसोड 29 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी। और इसकी सभी एपिसोड आपको वीकली बेसिस के तौर पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 31 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी स्टे क्लोज, ये एक लिमिटेड सीरीज है जो आपको इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और 31 दिसंबर की आपको कोबरा कैई की सीजन 4 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी।
तो यही मूवीज और सीरीज है जो आपको दिसंबर के महीने में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी मूवीज और सीरीज है जिसकी हिंदी डब की जो कंफर्मेशन है वो तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे जैसे होते जाएगी मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में।